हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओ माई गॉड फैक्ट्स पर। और आज हम बात करेंगे पबजी गेम के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक कोई नया नहीं है, हम सभी पबजी के बारे में जानते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे खेलते होंगे या खेल चुके होंगे या फिर नाम तो सभी ने सुना ही होगा। फिर भी इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये गेम हमारी युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है और समाज से इसका सीधा सीधा संबंध है। यह गेम समाज के लिए कितना घातक साबित हो रहा है ये वीडियो के बाद आपको समझ आ ही जाएगा। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैंने कई सारी जगह इसके बारे में पढ़ा है और अच्छे से रिसर्च किया है कि आखिर इसका क्या असर दिखाई देता है इसे खेलने वालों में। कई जगह तो लोगों ने अपने आर्टिकल में इसे खेलने के फायदे भी बताए हैं, जिसमें से प्रमुख फायदा है कि ये एक मनोरंजन का साधन है। पर मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, ये बिल्कुल बकवास बात है। क्या यही एक तरीका रह गया है मनोरंजन का? इसीलिए मैं इस वीडियो में अपने अनुभव के आधार पर ही बात करूंगा, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं और मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो पबजी गेम खेलते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं पबजी गेम के बारे में। पबजी गेम के बारे में इस वीडियो में जिन फैक्ट्स को बताया गया है उनमें से प्रमुख है, आखिर ये गेम किसने बनाया और कब, इस गेम को बनाने की प्रेरणा कहां से मिली, पबजी गेम का इतिहास के साथ क्या संबंध है, क्या है विनर विनर चिकन डिनर, इसकी कमाई के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि पूरी दुनिया में और भारत में हर दिन कितने लोग पबजी गेम खेलते हैं, इससे होने वाले नुकसान और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा और इससे जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में भी वीडियो के अंत में जरूर बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं पबजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे कि इस गेम का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, 23 मार्च 2017 को यह गेम रिलीज किया गया था, जिसे हम पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड के नाम से जानते हैं और भारत में अब इसका नाम पबजी मोबाइल इंडिया है। इस गेम को बेंडन ग्रीन ने बनाया है, जो कि आयरलैंड के निवासी हैं। इस गेम को बनाने का आइडिया एक जापानी मूवी से लिया गया है जिसका नाम बैटल रॉयल है। यह फिल्म सन 2000 में आई थी। इस मूवी में 100 स्टूडेंट्स को एक खुफिया जगह पर उतारा जाता है और उनकी आपस में लड़ाई करवाई जाती है। जो स्टूडेंट अंत में बच जाता है उसे विनर माना जाता है। विनर विनर चिकन डिनर, यही है वो वजह है जिसके लिए ये गेम खेला जाता है। पर क्या आप जानते हैं कहां से आई ये टैगलाइन? नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, पहले के समय में यूरोप के देशों में जब भी किसी गेम या जुए में पैसे जीते जाते थे तो उन पैसों से चिकन डिनर किया जाता था। बस तभी से ये टैगलाइन बन गई विनर विनर चिकन डिनर। पूरी दुनिया में 400 मिलियन लोग इस गेम को हर दिन खेलते हैं। वहीं भारत में लगभग 5 करोड़ लोग हर दिन पबजी गेम खेलते हैं। जब पबजी गेम लॉन्च हुआ था तो इसने पहले एक साल के अंदर ही 8,652 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। इस गेम के अरेंगल मैप का नाम ब्रेंडन ग्रीन ने अपनी बेटी के नाम पर रखा है। क्या आप जानते हैं प्लेयर अननोन कौन है? जी, ये कोई और नहीं, खुद ब्रेंडन ग्रीन है जिन्होंने ये गेम बनाया है। जी हाँ, वो जब इस गेम को खेलते हैं तो इसी नाम का उपयोग करते हैं। वैसे तो इस गेम के सबसे फेमस वेपन कार 98 और AWM गन है, पर ब्रेंडन का सबसे पसंदीदा हथियार पेन है क्योंकि इसका डैमेज दूसरे हथियारों से कहीं ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं आखिर इतिहास से इस गेम का क्या संबंध है। दोस्तों, बात उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने आयरलैंड पर कब्जा कर लिया था और वहां वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। जब वहां के लोगों और सोवियत सेना के बीच युद्ध हुआ तो वहां सब कुछ खंडर जैसा हो गया था। इसीलिए इस गेम के मैप में हमें टूटे हुए घर, जली हुई गाड़ियां, मिलिट्री बेस और फैक्ट्री इत्यादि देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस गेम से होने वाले नुकसान की और जानते हैं कि किस तरह ये गेम समाज को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अति खराब होती है, उसी तरह इस गेम को भी ज्यादा वक्त देना बहुत ही खतरनाक है। इस गेम की लत किसी नशे से कम नहीं है। जब कोई इस गेम को खेलता है तो इसमें इतना खो जाता है कि उसे होश ही नहीं होता कि वो कहां बैठा है, उसके आसपास क्या हो रहा है और कितनी देर से गेम खेल रहा है। रात के कितने बजे हैं यह तक देखने का टाइम नहीं होता बच्चों को। तो पबजी गेम का सबसे पहला और बड़ा नुकसान तो यह है कि इसमें समय की बहुत बर्बादी होती है। दूसरा नुकसान है नींद की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।
तीसरा नुकसान है बच्चों में एकाग्रता की कमी और याद शक्ति कमजोर होना जैसे लक्षण बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। चौथा नुकसान है एक जगह बैठकर खेले जाने वाले इस गेम की वजह से लोग मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी कमजोर हो रहे हैं, साथ ही युवाओं में मोटापे की भी शिकायत बढ़ रही है। पांचवा नुकसान है मारधाड़ वाले इस हिंसात्मक गेम की वजह से बच्चों में भी चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है। किसी भी माँ बाप से पूछ लीजिए जिनका बच्चा पबजी गेम खेलता हो, और खेल के बीच में अगर बच्चों से कुछ कहा जाए तो उनका बर्ताव कैसा होता है। छठा नुकसान है फ्री टाइम में सिर्फ पबजी खेलने की वजह से लोग समाज और रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं। सातवां नुकसान है कि नौकरी पेशा लोग भी इस गेम की लत से नहीं बच पाते हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मुझे अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना पड़ रहा है। मेरे ही साथ काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम गोकुल है, वैसे तो बहुत ही अच्छा लड़का है, मेहनती भी है और बड़ों की रेस्पेक्ट भी करता है, पर उसे भी इस गेम की लत लगी हुई है। जब भी वह इस गेम को खेल रहा हो तो इसमें इतना खो जाता है कि उसे कुछ होश ही नहीं होता है। अगर उस वक्त मैंने उसे कुछ काम बोला हो तो वो हाँ तो बोलता है काम करने के लिए, पर यह पता नहीं होता कि वो कितनी देर बाद उस काम को करेगा। चिड़चिड़ापन साफ नजर आता है उसके व्यवहार में, पर मैं जानता हूं इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इस गेम की लत ही ऐसी है जिसका वो भी शिकार हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात करता हूं उन घटनाओं की जो पबजी गेम की वजह से भारत में घटित हो चुकी है। राजस्थान में 16 साल के लड़के की पबजी गेम खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं बेलगाम में एक लड़के ने पबजी गेम खेलने से रोकने पर अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में पबजी गेम खेलते हुए दो छात्रों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। उज्जैन में तो एक 17 वर्षीय बच्चे की मर्डर की वजह भी पबजी गेम ही था। और भी इस तरह की कई घटनाएं हैं जिनमें बच्चे इस गेम से जुड़ी हुई बातों को बड़बड़ाते रहते हैं। कई बच्चों को तो हाथ पैर बांधकर हॉस्पिटल लाया जाता है। दोस्तों, यह गेम अच्छा है या बुरा यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर इतना जरूर कहूंगा कि पबजी गेम की लत बहुत ही खराब है। इस गेम को गेम की तरह ही खेलिए। दिन में आधा एक घंटा अगर आप खेलते हैं तो ठीक है, पर अपने दिन के 4-5 घंटे अगर आप पबजी को देते हो तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।